गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बेटा टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम थर्ड पार्ट। कल हमने सेकंड पार्ट तक किए थे, थर्ड पार्ट करेंगे 468, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। देखिए, आपको पता है कि सबसे पहले हमने देखना होता है लास्ट डिजिट। अगर वो इवन नंबर है तो हम इसको टू से डिवाइड करेंगे। ओके, टू से डिवाइड किया, टू टू ज़ा फोर, थ्री टू ज़ा सिक्स, फोर टू ज़ा एट। ओके, अगेन देखिए फोर आ रहा है, फिर से ये टू से डिवाइड हो सकता है। टू वन ज़ा टू, टू वन ज़ा टू, वन बच गया, इधर फोर है। सेवन टू ज़ा फोर्टीन, अब देखिए सेवन आ गया लास्ट डिजिट। इसका मतलब है ये टू से डिवाइड नहीं हो सकता, ऑड नंबर है। अब हम थ्री की डिविजिबिलिटी क्या होती है, इन तीनों डिजिट्स को हम प्लस करेंगे। अगर प्लस करने पे वो थ्री के टेबल में आ रहे हैं तो वो थ्री से डिवाइड हो जाएंगे, सेवन एट और नाइन। इसका मतलब है थ्री से डिवाइड हो सकता है। अब आप इसको थ्री से डिवाइड करोगे, यहाँ पे आ गया 39। ओके, अब फिर से इसको थ्री से किया, 13, 13 इज़ अ प्राइम नंबर। अब हम इसको यहाँ पे छोड़ देंगे, इस ये आगे नहीं हो सकता। एक चीज़ आप ध्यान रखना कि इस साइड जो आपके नंबर्स आएंगे वो प्राइम नंबर्स होंगे, कंपोजिट नंबर किसी ने नहीं लिखना। जैसे 4, 6, 8 ऐसे नंबर्स नहीं आपने लिखने, आपने सिर्फ प्राइम नंबर्स लिखने हैं। जो जो प्राइम नंबर्स होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 17, 19, 23 एंड सो ऑन। ओके, नाउ इसको हम आंसर लिख देंगे 2 × 2 × 3 × 3 × 13। ओके, दिस इज़ द आंसर। नाउ कम टू द फोर्थ पार्ट, 945। अब हम 945 को करेंगे, पहले हम 5 से कर लेते हैं। 5 है, आपको पता है 5 की डिविजिबिलिटी, लास्ट डिजिट 0 और 5 हो। अब आप इसको अगर 5 से डिवाइड करते हो, यहाँ पे आ गया 9। अब ये 5 से डिवाइड नहीं हो सकता, 2 से भी डिवाइड नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना, 9 है लास्ट में। तो अब आप 3 की डिविजिबिलिटी, आपको पता है 3 की डिविजिबिलिटी में 9 और 8 17 17 और 1 18। इसका मतलब है ये 3 से डिवाइड हो सकता है। अब आप इसको 3 से डिवाइड कर लोगे साइड पे। हाँ जी, ये आ गया 63, 3 से हम कर देंगे। देखिए फिर से ये 3 से डिवाइड हो रहा है। अब आप ऑरली भी कर सकते हो, 3 2 ज़ा 6 3 1 ज़ा 3। देखिए बेटा यहाँ पे 27 आ गया, अब ये 3 से यहाँ पे 7 3 ज़ा 21। ओके, अब हम इसको ये यहाँ पे लिख देंगे आंसर, 945 = 5 × 3 × 3 × 3 × 7। आपको मैंने कल बताया था, आप चेक भी कर सकते हो, 7 3 ज़ा 21 21 3 ज़ा 63 63 3 ज़ा 189 189 को 5 से मल्टीप्लाई करके 945। क्लियर, नाउ कम टू द सम नंबर 5। बेटा बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट पार्ट, ये एक सेकंड, आप ये इंपॉर्टेंट थिंग देखो, पेज नंबर 2.9 निकालो। यहाँ पे लिखा हुआ है रूल टू चेक वेदर अ नंबर बिटवीन 100 and 200 इज प्राइम और नॉट। हाँ जी, पेज नंबर 2.9 में इसको अंडरलाइन करो। ये मैं आपको भी समझाती हूँ क्या चीज़ है। एग्जामिन वेदर द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय एनी प्राइम नंबर लेस देन 15, दैट इज 2, 3, 5, 7, 11 and 13। इफ इट इज़ डिविजिबल देन इट इज़ नॉट प्राइम, अदरवाइज इट इज़ प्राइम। अब इसी तरह से इसको अंडरलाइन कर लो, इसको मैं आपको समझा देती हूँ। आपने नोटबुक पे नहीं करना, इसको बुक पे बस ऐसे अंडरलाइन कर लो। ये क्या चीज़ है कि जैसे आपने देखना है कि कोई नंबर प्राइम है या नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट सम में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं आपको पहले समझा रही हूँ। अगर 100 से लेके 200 तक, हमने 100 तक चार्ट किया था, अगर आपके पास 100 से लेके 200 तक कोई नंबर आ जाता है, आपको पता करना है कि क्या वो नंबर प्राइम है जा नहीं प्राइम है। तो आप क्या करोगे, आप उस नंबर को 2, 3, 5, 7, 11 और 13 से डिवाइड करके देखोगे। अगर तो ये नंबर डिवाइड हो गए 100 से 200 वाले, ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, ऑड नंबर्स पे। क्योंकि जो इवन नंबर्स होंगे, जैसे 102 है, 104 है, उनको तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, वो इवन नंबर हैं, वो तो हमें पता है 2 से भी डिवाइड हो जाते हैं। प्रॉब्लम कब आएगी, जैसे 101 है, 103 है, 105 है,
ऑड नंबर्स पे प्रॉब्लम आएगी, तो आपने इन सारे नंबर से डिवाइड करके देखना है। अगर तो ये वाले नंबर से 100 से 200 तक वाले नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं तो वो कंपोजिट नंबर है, ओके। अगर नहीं हो रहा है इनमें से टेबल में से तो वो प्राइम नंबर है। यही इसमें बुक में यही चीज़ लिखी हुई है, क्लियर। अब आप नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। देखिए रूल टू चेक वेदर अ नंबर बिटवीन 100 एंड 400 इज़ प्राइम, वो था 100 टू 200। अब 100 से 400 अगर आपने ये पता करना है कि वो नंबर प्राइम है या नहीं है, तो इसमें आपने 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19, देखिए कौन कौन से नंबर से आपने डिवाइड करना है, 100 से 400 तक, ठीक है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। तो अगर तो डिवाइड हो गया फिर वो कंपोजिट नंबर है, अगर डिवाइड नहीं हुआ फिर वो प्राइम नंबर है। कीप इन माइंड, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, 100 से 200 तक आपने 13 तक डिवाइड करके देखना है, बट प्राइम नंबर से 2, ये नहीं 4 से करो, 6, 9, वो तो खुद में ही आपस में फैक्टर्स हैं, जैसे 9 से करने का कोई है ही नहीं, 3 से कर लिया 9 से हो गया, एक तरह से करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपने 100 से 400 तक ये वाले प्राइम नंबर से करना है, अगर नहीं हो रहा है तो आपने उसको क्या अज्यूम कर लेना है कि वो प्राइम नंबर है। इज़ इट क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। हाँ जी बेटा, फिफ्थ पार्ट देखिए मैंने सॉल्व कर दिया, 7,325। लास्ट में 5 था डिजिट, तो हमने क्या किया, हमने 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास डिवीज़न करके ये नंबर आ गया 1465। यहाँ मैंने लिख दिया फिर से 5 है, फिर से 5 से डिवाइड होगा तो डिवीज़न करके हमारे पास आ गया 293। अब देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि 100 से 200 तक आपने कौन से नंबर से डिवाइड करना है, और 100 से 400 तक आपको बताया था 19 तक के टेबल से डिवाइड करना है। आप 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19 से डिवाइड करके देखोगे ये वाले नंबर को, ये किसी से नहीं डिवाइड हो रहा, आप रफ में करके देख सकते हो, ओके। ये किसी से डिवाइड नहीं हो रहा तो ये कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है, ओके। तो हम यहाँ पे इसको लिख देंगे 7,325, 5 × 5 × 293। बेटा एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपने ये जो रफ वर्क करना है आपने पेंसिल के साथ ऐसे लाइन लगा के ऊपर लिख देना है रफ वर्क, ओके। तो आपने नीट एंड क्लीन करना है। इज़ इट क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। बेटा नाउ कम टू द सिक्स्थ पार्ट, 13,915। देखिए लास्ट में 5 है, 5 से डिवाइड होगा, मैंने इधर इसकी डिवीज़न कर दी है, 5 से डिवाइड किया हमारे पास आ गया 2783। मैंने यहाँ 5 लिख दिया, ये नंबर 2783 इधर लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में 3 है, ठीक है, 5 से डिवाइड नहीं होगा, अगर आप 2 से डिवाइड करोगे वो भी नहीं होगा, लास्ट में इवन नंबर चाहिए। उसके बाद 2 के बाद 3, उसके बाद 3 से किया 8 और 3 11, 11 और 7 18, 18, 19 और 20। 3 के टेबल में 20 नहीं आता, इसका मतलब है 3 से भी डिवाइड नहीं होता होगा। उसके बाद मैंने 7 से डिवाइड किया, 7 से डिवाइड करने के बाद मेरे पास रिमाइंडर आ रहा है 7, इसका मतलब है हम 7 से भी डिवाइड नहीं करेंगे, ओके। उसके बाद मैंने इसको 11 से डिवाइड किया, 11 से डिवाइड किया मेरे पास नंबर आ गया 253, ये मैंने यहाँ लिख दिया और 11 यहाँ पे लिख दिया। फिर से ये 11 से डिवाइड हो रहा है तो 23 आ रहा है, यहाँ पे 23 आ गया, ओके। तो ये सारे नंबर्स हम यहाँ पे लिख देंगे, क्लियर। बेटा कम टू द थर्ड सम, लुक एट द स्टेटमेंट, राइट द स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर एंड एक्सप्रेस इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। देखिए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स मीन्स वही चीज़ है प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको देख के कन्फ्यूज नहीं होना कि प्रोडक्ट क्या आ गया। तो आपने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम मीन्स उसको मल्टीप्लाई करते जाना, उसकी फैक्टराइजेशन पता करनी है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसकी स्टेटमेंट चाहे ना भी लिखो कोई ज़रूरत नहीं है, आप लिखोगे स्टार्ट कहाँ से करोगे, स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर, स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर 1000 यही होता है ना, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आप करोगे 1000 की, 2 से डिवाइड किया 1000 का हाफ 500, फिर से 2 से किया 500 का हाफ 250। उसके बाद अगर आप 5 से कर दो, 2 से भी कर सकते हो, 5 से किया 50 आ गया, अगेन 5 से किया 10 आ गया,
अगेन 5, यहाँ पे 2 आ गया। अगर आप में से कुछ स्टूडेंट 2 को पहले कर लेते हैं, आंसर तो सेम ही आएगा, 3 टाइम्स 2 और 3 टाइम्स 5। देयरफोर 1000 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 देन 5 3 टाइम्स देन 2। क्लियर, वेरी इजी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। लुक एट द बुक, राइट द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड गिव इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए, अब उन्होंने प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दिया, ऊपर क्या लिखा था, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, वही चीज़ है। अब आप देखिए, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर 9999। ओके, अब देखिए 3 से हो जाता है सिंपल, 4 टाइम्स 3, फिर से 3 से हो जाएगा, अब आपके पास आ जाएगा 4 टाइम्स 1। अब देखिए 2 से नहीं होगा, सीधा दिख रहा है 1111 है, तो हम 11 से अगर कर दें, 11 2 डिजिट्स उतारोगे 11 नहीं आएगा, 101 आपके पास क्या आ जाएगा, 101। 101 जो है वो प्राइम नंबर होता है। क्लियर, आपको पीछे भी आया था 101 का, जब हमने 97 प्लस 101 किया था, 100 एक सम आया था आपका ऐसे। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसका लिख देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, 3 × 3 × 11 × 100। आपने अगर 101 का पता करना है, आप इसको 2, 3, 5, 7, 11, 13 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके देख लो, आपका क्लियर हो जाएगा, वो प्राइम नंबर है। अच्छा बेटा, अब हम करेंगे सम नंबर 5, ये आप खुद करोगे, ओके, ट्राई करोगे रफ़ नोटबुक पे, और आपको मैं कल करवाऊंगी ये सम, आप ट्राई करोगे रफ़ नोटबुक पे खुद करके देखना। ओके, नाउ थैंक्स एंड हैव अ गुड डे।